छोना नाई नहीं कर लिया छोना। हम लोग ऐसे ही दिखते हैं सुबह सुबह बिना मेकअप के, हम ऐसे ही दिखते हैं ठीक है। और वैक्सीनेशन के बाद हुई हालत खराब, बाबू नहा रहे हैं इसीलिए आवाज आ रही। क्या हुआ, ये तो बहुत गंदी बच्ची है। अच्छा ना नाई नहीं कर ली, अब मम्मा बीमार हो गई। अच्छा नाई नहीं कर ली, हो गई है। ओए दोई दोई, ओए दोई दोई, दोई 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 दोई, दू 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 दू। अब धनुआ का नंगू पंगू नहीं दिख रहा, नहीं पोटी तो नहीं है। ये दोनों बच्चे नहीं नहीं कर लिए हैं, हम दोनों अभी नहाएंगे। अब भाभी आपको सुई लगने के बाद क्या हुआ? सुई लगने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद मैं गाती फिर रही थी, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग हूँ उसके बाद। और मैं थोड़ा सा, मुझे उस दिन दर्द हुआ था हाथ में, फिर उसके बाद मुझे शाम को थोड़ी सी वॉमिटिंग भी हुई। हाँ, और उस टाइम तक मैं बिल्कुल ठीक थी। हाँ। तो मैं बोल रही थी मम्मी देखो कि भाभी को ये हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और उसके बाद से जो मुझे कपकपी स्टार्ट हुई और फीवर आ गया, उसके बाद से मैं बीमार हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा जी हमारे गुस्सा है और चिल्ला रहे हैं, और यहाँ दोनों बच्चे नहाने करके अपना तैयार हो रहे हैं, और हम अभी थोड़ी देर में हम भी नहाएंगे। बाबू ऐसे चोट लग जाए। बच्चों ने नहा लिया, मम्मी ने नहा लिया, हम सब नहा लिए हैं, मैं भी नहा ली हूँ, और नहा के मैं आई हूँ और जा रही हूँ। थोड़ा सा नॉर्मल घर में रहना है तो कुछ भी नहीं करूँगी मैं, वो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी और बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। और फिर मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कि मेरे को वैक्सीनेशन के बाद हुआ क्या, और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा ना मुझे नहीं लगवाना चाहिए था, मैंने क्यों लगवाया, मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैं क्या बताऊँ। कि तो आगे आप लोग देखना कि आप सबको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ये आपको मैं आगे बताऊँगी, और मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आपका बेबी फीड करता है, तो अभी आपका बेबी छोटी है तो आपको नहीं लगवाना चाहिए था वैक्सीनेशन, तो उनको भी मैं इसी ब्लॉग में बताऊँगी कि उनको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, तो आगे मैं बताऊंगी आप सबको। एंड आपको ब्लॉग कैसा लगा, वो हमारा, मेरा और भाभी का जो मतलब हम एक साथ गए थे, वो ब्लॉग आपको कैसा लगा, और इस तरीके के ब्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये दो मॉइस्चराइज़र, ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है ममा अर्थ का, और ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सबको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स का रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। तो ये दोनों मॉइस्चराइज़र हैं, बहुत सारे लोग समर्स में मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हैं, वो इग्नोर करते हैं, बट ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, समर्स में भी हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो ये दो मॉइस्चराइज़र है, एक है मेरे पास ममा अर्थ का टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र, और एक है मेरे पास ममा अर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री
फेस मॉइस्चराइज़र, तो ये दो है और इसमें से मैं जो अभी रेगुलर यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ का ये टी ट्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, क्योंकि इस ये फ्री फ्रॉम एक्नी एंड पिंपल्स, एक्ने और पिंपल्स के लिए बेस्ट है। मेरे पिंपल्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके बेनिफिट्स एंड किस तरीके से क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये है ममा अर्थ का टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विथ टी ट्री एंड सिलिक एसिड है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। ये 24 आवर्स आपको हाइड्रेशन देता है, ये एक्ने और पिंपल्स के लिए बेस्ट है, नो पैराबेन और नो सिलिकॉन फ्री है और साथ ही साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये और इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो है 80 ग्राम आपको मिल जाएगा। आप सुबह और शाम को दो टाइम पे यूज़ करोगे अच्छे रिजल्ट के लिए, फाइट करता है एक्ने और पिंपल से, नॉन स्टिकी, काफ़ी अच्छा है। डायरेक्शन फॉर यूज़ आपको करना कैसे यूज़ है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है कि दे रखा है आपको किस तरीके से यूज़ करना है। मेंस और ह्यूमंस दोनों यूज़ कर सकते हैं, 15 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं, 15 ईयर से ज़्यादा सूट ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा ये। एंड इसका जो प्राइस है वो है 299। तो उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट ममा अर्थ का ही विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर है विद विटामिन सी एंड गोटू कोला। ये वाला जो मॉइस्चराइजर है वो फॉर स्किन इल्यूमिनेशन के लिए बेस्ट है, इसमें भी नो पैराबेन नो सिलिकॉन और ये भी लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है और सूट करता है ऑल स्किन टाइप को, ये भी 80 ग्राम में है। एंड इस पे भी देख सकते हो आप लोग सारी डिटेल्स दी हुई है किस तरीके से यूज़ करना है, नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर है, कीप साइन सॉफ्ट एंड सप्पल, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है एंड सप्पल बनाता है। तो दोनों का जो प्राइस है वो भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, तो ये दोनों ही मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छे हैं, आपको दोनों अपने फेस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो ट्राई कर सकते हो। एंड ममा अर्थ के इनिशिएटिव भी होते हैं काफ़ी सारे जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो आज फिर से मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। सो आपको थोड़ा सा लेना है, इस तरीके के पैकेजिंग में है और थोड़ा सा बिल्कुल लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और मेकअप करने से पहले आप ये यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप टिका रहेगा आपके फेस पे। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो वो जो ममा अर्थ की इनिशिएटिव है उसकी बात कर लेते हैं, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे ममा अर्थ से तो आपके ऑर्डर को ममा अर्थ की वेबसाइट पर एक ट्री से लिंक किया जाएगा जो कि प्लांट करेंगे आपके बिहाफ पर। ममा अर्थ के प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के अंदर 2025 तक ममा अर्थ का एम है कि वो 1 मिलियन ट्रीज प्लांट। एंड गाइज एक चीज़ और बताती हूँ मैं आप लोगों को, ममा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ममा अर्थ की ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सो गाइज आप ममा अर्थ का ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको ममा अर्थ के सेल्स के बारे में, इसके अलग अलग ऑफर्स या फिर डिस्काउंट्स के बारे में बिल्कुल टाइमली पता चल जाएगा, जो कि हो सकता है दूसरे और किसी ऐप पर अवेलेबल ना हो। सो फटाफट से ऐप डाउनलोड करें एंड ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स का बेनिफिट बाय कर सकते हो। आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो NIKU2021 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आपको Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट एंड ममा अर्थ की वेबसाइट पे ईजिली मिल जाएगा। सो आप चेक कर सकते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं। तो गाइज सही बताऊँ तो लगवाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आप सेफ रहोगे, इसीलिए मैंने लगवाया। तो लगवाने के बाद होता है प्रॉब्लम्स, हुई मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बट मैं सेफ़ हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सेफ़ हूँ। और पहला जो सबका सवाल था कि आपका बेबी फीड करता है तो आपने क्यों लगवाया, तो मैंने अपनी डॉक्टर से परमिशन लिया, मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप लगवा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि आपका बेबी फीड करता है आपको नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि बच्चों का कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई। तो मैं उन्हीं के को बता दूँ ऐसा कुछ ही नहीं है, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं आप मेरे कहने पे जाओ और लगवा लो, जी नहीं, आप अपने डॉक्टर से पूछ लो। अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करती हैं कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं तो लगवाओ। मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मैंने लगवाया।
और लगवाने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, मतलब मैं ये बोलूँगी कि अगर जिसका बेबी भी बहुत छोटा है ना वो मत लगवाना, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मुझे ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पास पूरा परिवार है मेरे बच्चे को संभालने के लिए, और इसीलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट मुझे बहुत गंदा वाला फीवर आ गया था, मतलब मैं ऐसे ना काँप रही थी, जैसे काँपते नहीं है वैसे करके मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी। ठंड की वजह से मुझे बहुत गंदा वाला फीवर था, रात भर फीवर रहा। और मेरी बेबी जैसे फीड करती है तो मेरी वजह से उसको भी फीवर हल्का हल्का, उसका बॉडी मुझे लग रहा है कि गर्म है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर हो गया था। फीवर था, हेडेक इतना हो रहा था, और साथ में मेरे हाथ में इतना दर्द था। मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, और भाभी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। भाभी को बस उसी दिन जिस दिन लगा था थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई, एंड भाभी को वॉमिटिंग हुई और क्या हुआ, हाथ में दर्द था, फीवर नहीं आया भाभी को, भाभी ठीक है। और घर में जैसे मैं सब कुछ बोल रही थी जब उनको हो रहा था, उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं चिढ़ा रही थी उनको कि देखो मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी लो है। तो बट लास्ट में क्या हुआ, रात भर में फीवर से मतलब तपती रही, और उसके बाद मैंने पैरासीटामोल वगैरह खाया जिससे मेरा फीवर आराम हुआ। बट अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दो दिन तो कम से कम आपको परेशानी होती है इंजेक्शन लगवाने के बाद, बट यार लगवाओ जितना हो सके ना, जाओ आप भी लगवाओ, अपनी फैमिली मेम्बर को लगवाओ, हमें सेफ़ होना है। अब हम सेकेंड डोज भी जल्दी से लगवा लेंगे जैसे हमारा टाइम आएगा, तो आप सब भी लगवाओ। और अपनी डॉक्टर से पूछ लो यार, अगर जिसकी डिलीवरी मेरे साथ हुई है या जिसका बेबी भी फीड कर रहा है, वो अपनी डॉक्टर से सजेशन ले लो। और हमें तो और ज़्यादा लगवाना चाहिए, जिसका छोटा बच्चा ना उसको तो बिल्कुल लगवाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा बेबी फीड करता है हमारा, ठीक है। और आप ऐसा ना हो कि आप बाहर जाओ और बाहर से आपको कुछ हो जाए, फिर आपका बेबी तो 24 घंटे आपके पास रहता है तो ट्रांसफ़र हो जाए। इसलिए जिसका बेबी छोटा है ना उसको तो पक्का ही लगवाना चाहिए कि हमारा बेबी सेफ रहे हमारी वजह से, तो इसीलिए उसको लगवाना चाहिए। तो हमारे घर पे मम्मी ने लगवा लिया है, पापा जी ने लगवा लिया है, और मैंने, भाभी ने। क्या हुआ मेरा बच्चा, क्या हुआ? नहीं, चाची को तो गमी नहीं लग रही है। आप एसी चलाने आए हो? आप एसी चलाने आए हो? चाची को तो गमी नहीं लग रही है। तो अभी प्रिंसेस बाहर है और बाबू को लगा कि मुझे गर्मी हो रही है तो वो एसी ऑन करने आ गए। तो आप लगवाओ, और हमारे घर पे हम सब ने लगवा लिया है, मेरे हस्बैंड, बस भैया ने नहीं लगवाया है, तो वो भी एक आध दिन में लगवा लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मेरी प्रिंसेस रो रही है, उसके बाद आगे थोड़ा बहुत जो भी होगा वो शेयर करती हूँ। बट ज़रूर से ज़रूर आप भी वैक्सीनेशन लगवाओ, 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 सेफ रहोगे आप भी, आपकी पूरी फैमिली भी। सो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे कोविड की वैक्सीन लग चुकी है और मेरे हस्बैंड को भी लग चुकी है। तो मुझे कौन सी लगी थी? कोविशील्ड। हाँ, मुझे लगी थी कोविशील्ड, और मेरे हस्बैंड को कौन सी लगी थी वो खुद बताएंगे। आपको कौन सी लगी थी? कोविशील्ड। कौन सी लगी नहीं थी, मैं कहूँगा मैंने लगवाई है कोविशील्ड। खुद चूज करना पड़ रहा है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है। सो मैंने नहीं, लेकिन हमारे वाले में वही उस टाइम पे लग रही थी स्लॉट। हाँ, एंड एक चीज और कि मेरे घर में ये ब्रेव काम सबसे पहले मैंने किया। जी नहीं, मम्मी और पापा जी ने किया है। मतलब बीच में बोलना जरूरी रहता है। ब्रेव काम कोविशील्ड वैक्सीन लगाने का, क्योंकि मेरे घर में लोग बहुत कंफ्यूज थे, स्पेशली हमारे बड़े भाई साहब बहुत ही कंफ्यूज थे, उनका बिल्कुल ही मत नहीं है। अभी भी उन्होंने कहा, और अभी भी सबने लगवाया वैक्सीन एक्सेप्ट हम, उन्होंने नहीं लगवाया, उनको कोवैक्सीन ही लगाना है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही इफेक्टिव है अपनी अपनी जगह। एंड मेरे घर में मेरा, भाभी का, निक्की का कोविशील्ड लगा है, मम्मी पापा का कोवैक्सीन लगा है, क्योंकि वो 45 ईयर्स से अबव में आते थे इसीलिए। तो इसीलिए जिस जिसने वैक्सीन नहीं लगवाया है, प्लीज 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 जाइए, जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीन लगवाइए, बहुत 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 जरूरी है। कोविशील्ड लगे, कोवैक्सीन लगे, दोनों ही बहुत कारगर है। कोविशील्ड को आज लेटेस्ट अपडेट आया है, कोविशील्ड को 7 कंट्रीज ने, यस, यूएस, यूके जैसी कंट्रीज ने भी अप्रूव कर दिया। तो आप कोविशील्ड भी लगा सकते हैं बिना किसी शब्दो शंका के। आपको क्या क्या हुआ था, कुछ हुआ था? मुझे क्या हुआ था, पोस्ट वैक्सीनेशन यस हुआ था, जिस दिन वैक्सीन लगी थी उस दिन तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे भी दिन के टाइम से आई थिंक मेरे को हेडेक से थोड़ा बहुत शुरू हुआ। पहले तो हाथ में दर्द हुआ जिसमें वैक्सीन लगा था, देन थोड़ा बहुत बॉडी पेन होना शुरू हुआ, फीवर मुझे बहुत ज्यादा नहीं आया बट हेडेक बहुत ज्यादा। मेरा फीवर, मेरे को एकदम सीवियर वाला हेडेक हो रहा था। तो
बट वो फिर मैंने एक सेराडॉन खाया हेडेक के लिए, उससे मेरा फीवर बॉडी एक सब चला सब चला एंड फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आई वाज टोटली फाइन। और आपको एक बात बता दूं, मैं रात को कपकपी हो रही थी, मुझे बहुत ज्यादा, मैं कांप रही थी और मैं अपने हस्बैंड को उठा रही थी, उठो उठो मुझे ठंड लग रही है, तो मुझे पता है क्या बोलते हैं, अभी पानी लेके आता हूँ, आपको पट्टी करता हूँ, अभी रुको आपको बहुत तेज फीवर है, पट्टी लेके आता हूँ, और सो गए। रात के 2 बजे की बात है और ये सो गए। फिर मैंने इन्हें दोबारा उठाया, मैंने बोला उठो उठो मुझे फीवर आ रहा है, तो इन्होंने फिर बोला रुको मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेके आता हूँ, फिर सो गए। इतनी बहुत, गंदी बहुत वाली नींद, बहुत बड़ा चढ़ा के आपने कहा। एंड जो आदमी दिन भर मजदूर की तरह काम करे ऑफिस में खटे, जो लोग बड़ा चढ़ा के बोला ऐसा ही किया था इन्होंने। उसके बाद जब इनको दिखा कि मैं उठ रही हूँ, जा रही हूँ कुछ ब्लैंकेट लेने, तो ये उठे, जी हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, फिर ये उठे और फिर भागते हुए गए हैं, फिर उन्होंने मम्मी को उठाया है और उसके बाद ये अपना लेके आया ब्लैंकेट वगैरह। तो ये ऐसे पति हैं, ये ना कहें ऐसे बेटी बेटी बीवी बीमार थी और ये मुझे छोड़ के सो रहे थे, अपनी नींद पूरी कर रहे थे। तो बस इस ब्लॉग को मैंने अभी तक इसीलिए कंटिन्यू किया था क्योंकि मैं चाहती थी ये ऑफिस से आए और ये अपने वैक्सीन के बारे में खुद शेयर करें, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया था। सो कैसा लगा आपको ये छोटा सा नॉर्मल सा बहुत ही छोटा सा ब्लॉग, हमारा फैमिली ब्लॉग, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कहिए 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 कहिए, अब प्रिंसेस हमारी सोई हुई है, वो आज नहाई नहीं किया उन्होंने, इसलिए वो गहरी नींद में है। यस, तो एट लास्ट इस ब्लॉग के एंड में यही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है हैट्स ऑफ टू यू, जिसने नहीं लगवाया है वो कृपया जरूर से जरूर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये वैक्सीनेशन लगवाइए। ओके बाय बाय, बाय कर दीजिए, बाय कर दो, ए खुद नहीं बाय कर दो, बाय की तरफ से मैं बाय करता हूं।